पंकज त्रिपाठी जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टरों में से एक है, पंकज त्रिपाठी अभी अपने आने वाली फिल्म पीलीभीत सागा के प्रमोशन में बिजी है और इसी बीच उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते ही वो अपने मोस्ट पॉपुलर शो मिर्जापुर के तीसरे सीजन की शूटिंग करने वाले हैं। बता दें आपको कि पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर में कालिंग भैया का रोल में नजर आते हैं। 2020 में रिलीज हुआ इस सीरीज का दूसरा सीजन इंडिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वेब सीरीज था। ऐसे में मिर्जापुर के लिए ऑडियंस का क्रेज किस लेवल का है यह आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब जानते हैं। आगे बात करते हुए कालिंग भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि फैंस के बीच मिर्जापुर सीरीज को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं कल से कॉस्ट्यूम ट्रायल करूंगा और इसके बाद अगले हफ्ते से वेब सीरीज की शूटिंग शुरू होगी। मैंने हाल ही में सीरीज की पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ा है। मैं फिर से कालिंग भैया बनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और तैयार हूँ। आगे बात करते हुए पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि मुझे मिर्जापुर शो में कालिंग भैया का रोल करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मैं रियल लाइफ में पावरलेस आदमी हूँ। मैं कालिंग भैया के रोल में ही खुद को ज्यादा पावरफुल होने का एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। पावर कहो या सत्ता, उनकी बुक सबको होती है। मिर्जापुर में इसी को दिखाया गया है। आई होप कि ये न्यूज सुनकर आप भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि मिर्जापुर का तीसरा सीजन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड के जाने माने दुश्मन मामा भांजा यानी कि कृष्णा विशेक और गोविंदा के बीच सुलह हो चुका है। रिसेंटली गोविंदा ने कृष्णा को माफ कर दिया है। बता दें आपको कि काफी समय पहले कृष्णा की वाइफ ने बिना किसी के नाम लिए ही गोविंदा को पैसे लेकर शादी में नाचने वाला बोला था, जिसके बाद ही कृष्णा और गोविंदा के दोनों परिवारों में मतभेद चालू हो गया और दोनों के परिवार ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद कृष्णा ने बहुत से पब्लिक प्लेसों में गोविंदा से माफी मांगी थी, लेकिन इस बार फाइनली गोविंदा ने कृष्णा अभिषेक को माफ कर दिया है। सो ये था टीवी इंडस्ट्री से जुड़े आज के कुछ न्यूज अपडेट। इसी तरह की न्यूज के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।